अब बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। 25,000 के चालान पर ऑटो चालक ने गटक लिया फिनाइल, यातायात पुलिस के उड़े होश, मचा हड़कंप। ट्रैफिक नाके पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑटो जब्त होने के बाद 25,000 रुपए का चालान कटने लगा तो ऑटो रिक्शा चालक ने आपा खोकर फिनाइल गटक लिया। रविवार को तालाब तिल्लो चुंगी के पास इस घटना ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फुला दिए। आनन फानन में चालक को अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की सिफारिश भी की है। उधर ऑटो चालक के फिनाइल पीने की घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल रविवार को जम्मू के तालाब तिल्लो चुंगी के पास ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। यूनिफॉर्म न पहनने, ड्राइविंग लाइसेंस न होने और चप्पल पहनकर ऑटो चलाने सहित नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कर्मी उसका 25,000 का चालान काटने लगे। संजय का कहना है कि ऑटो चलाकर होने वाली आमदनी से ही उसका परिवार पलता है। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर वो चालान कटवा चुका था, फिर दोबारा से चालान काटा जा रहा था। वो कहां से 25,000 रुपए लेकर आता, इसलिए उसने आवेश में आकर ऑटो में पड़ा हुआ फिनाइल पी लिया। संजय का कहना है कि उसके पांव में जख्म है, इसलिए उसने जूते की जगह चप्पल पहनी हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने चालान में चप्पल पहनने पर भी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था।